नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब यहां कंपेरिज किया जाएगा, कंपेरिजन में किसको लिया जाएगा, मेटल को। तो मेटल के कंपेरिजन में जो नॉन मेटल की डेंसिटीज होती हैं वो कम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नोट सोनोरस, जो नॉन मेटल होती हैं, अधातु होती हैं, उनमें सोनोरस का जो सिम्टम्स होता, लक्षण होता है वो शो नहीं करती है। अब सोनोरस के बारे में पहले ही बता दिया है आपको कि मेटल की जो सीट होती है, अगर आप उसको बीट करोगे किसी अन्य अदर सब्सटेंस से तो वो रिंगिंग टोन जो है कि बजती है, टोन में बजती है। तो जो ये गुण होता है उसका, जो कैरेक्टर होता है वो सोनोरस होता है। तो नॉन मेटल में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसका, नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स रखती हैं, कलरों में पाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल ने, सल्फर इज येलो, जो सल्फर होता है उसका कलर होता है येलो, पीला होता है। फॉस्फोरस इज व्हाइट और रेड, जो फॉस्फोरस नॉन मेटल होती है वो व्हाइट कलर में भी मिलती है और रेड कलर में भी पाई जाती है। जबकि ग्रेफाइट को अगर देखें, ग्रेफाइट इज ब्लैक, जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट जो होता है भाई, ये फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, वो कार्बन की ही फॉर्म होती है ग्रेफाइट। कार्बन थ्री अदर फॉर्म्स में भी पाया जाता है, फर्स्ट इज डायमंड, सेकंड इज ग्रेफाइट और थर्ड इज फ्लोरिन, फुलरिन जिसे अपन कह सकते हैं, फुलरिन। तो उनमें से जो ग्रेफाइट है, जो सेकंड फॉर्म है कार्बन नॉन मेटल की, वो ब्लैक होती है। क्लोरीन इज येलो, वाइस ग्रीन, येलो इज ग्रीन भी होती है, थोड़ी पीली थोड़ी हरी होती है क्लोरीन, हरी पीली भी कह सकते हैं इसे। ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, जो ब्रोमीन होती है वो रेडिश ब्राउन होती है, हल्की लाल भूरे रंग की होती है। आयोडीन इज वायलेट, आयोडीन जो है कि वायलेट कलर की होती है, बैंगनी कलर की होती है। और कार्बन इज ब्लैक, कार्बन भी ब्लैक होता है। तो कार्बन मैंने बताया था, जो ग्रेफाइट होता है वो कार्बन का ही फॉर्म होता है, तो वो भी कैसा है, ब्लैक है। अब सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट नॉन मेटल्स, जिस तरह से अपन ने मेटल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, अब नॉन मेटल्स के भी कुछ फैक्ट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट, अपन ने कहा था कि जनरली जो नॉन मेटल होती है वो तीनों स्टेजन में पाई जाती है। तो ब्रोमीन कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होगी, देखिए, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाई जाती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी किस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर पाई जाएगी। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ए फॉर्म ऑफ द कार्बन एलिमेंट्स, कार्बन एलिमेंट्स का एक फॉर्म, एक रूप होता है जिसे अपन कहते हैं ग्रेफाइट। मैंने अभी अभी बताया था तीन फॉर्म में पाया जाता है कार्बन, डायमंड, फर्स्ट सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड फुलरिन। तो इनमें से जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन एलिमेंट का फॉर्म है, इज ए नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जबकि अपन ने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी में, कि जो नॉन मेटल होती हैं वो नॉन मेटल है, वो बैड कंडक्टर होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। पर इनमें एक फैक्ट आया है सामने कि जो ग्रेफाइट होता है, जो कार्बन एलिमेंट का फॉर्म होता है ग्रेफाइट, वो गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है एफ, और जबकि वो फ्लोरीन अलग होता है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल में एक्टिव की बात करें, मोर रिएक्टिव की बात कर, जो फ्लोरीन एलिमेंट है, नॉन मेटल है, वो सबसे ज्यादा
क्रियाशील होता है। तो वैसे तो और भी अदर एलिमेंट है, पर सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव कहा जाएगा, मोर रिएक्टिव, तो वो फ्लोरीन होगा।